हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल फिटिंग शर्ट कैसे कटिंग की जाती है, बिल्कुल आसानी से, नई ट्रिक्स, नई फार्मूला के साथ। दोस्तों, शर्ट कटिंग लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ये कटिंग वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई है 28 इंच, शोल्डर है 18.5 इंच, स्लीव यानी बाजू है 23.5 इंच, चेस्ट 38 इंच, स्टमक यानी पेट है 36 इंच, गला है 16 इंच और कफ है 9 इंच। तो दोस्तों, पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए और जो सीधी तरफ है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। चेक से चेक मिला लेना है इस पकड़ से। नीचे 1.5 इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो लंबाई मार्किंग कर लेंगे इस पकड़ से। शर्ट का लंबाई है 28 इंच, तो 28 इंच लेंगे। बॉडी है 38 इंच, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 9.5 इंच हो रहा है, तो इसमें 1.25 इंच कम कर देंगे, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और पेट का माप लेंगे 16.5 इंच पर। सेम मार्किंग दूसरी तरफ करेंगे, 28 इंच, 9.5 इंच, 16.5 इंच। अब इन मार्किंग को सीधा कर देंगे इस पकड़ से। प्लेट पट्टी बदम पट्टी के लिए 2 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद 0.5 इंच, टोटल 0.3 इंच। ये एक्स्ट्रा माप है, ये बॉडी में लूज नहीं होता है। यही मार्किंग बॉडी में भी करेंगे और पेट में भी करेंगे। गला है 16 इंच, ये 16 इंच को 5 से डिवाइड कीजिए, 3 इंच करीब आ रहा है, तो 2 सूत कम करेंगे, 3 इंच पर लेंगे। तो गला हमेशा आप छोटा ही रखिए, 2 सूद हो जाए, 3 सूद हो जाए, छोटा हो जाए तो बाद में आप साट सकते हो। तो शोल्डर डाउन करेंगे 2.25 इंच, थोड़ा सा मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो शोल्डर हमारा है 18.5 इंच, इसका आधा कीजिए, 9 इंच आ रहा है, इसमें सिलाई मार्जिन 0.5 इंच ऐड करेंगे, तो 10.5 इंच मार्किंग करेंगे। मार्किंग को सीधा कर देंगे, इसके बाद 0.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। ऐसा करने से शर्ट का फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो बॉडी का मेजरमेंट किस प्रकार से लेते हैं देखिए। बॉडी है 38, इसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन चारों वाला में, टोटल 43 इंच, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 11.5 इंच आ रहा है, तो टोटल 11.5 इंच लेंगे। जहाँ से हमने 3 इंच छोड़ा था वहाँ से 11.5 इंच लेंगे इस प्रकार से। तो पेट का मेजरमेंट सेम सिस्टम में ही लेंगे। पेट है 36 इंच, इसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, टोटल 41 इंच, 41 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल 10.5 इंच आ रहा है। एक बार अच्छे से देख लो आप। तो कमर में भी 10.5 इंच लेंगे टोटल, जहाँ से 2.5 इंच छोड़ा था वही निशान से। बॉडी का टोटल मेजरमेंट करेंगे, सेम मेजरमेंट डाउन में भी रखेंगे और उसमें 2 से 3 सूत कम कर देंगे। मैं हिप का मेजरमेंट नहीं लेता हूँ, इतना ज़रूरत नहीं हो पड़ता है, आप चाहे तो आप रख सकते हो। इस प्रकार से शेप कर देंगे।
तो आर्मोल की गोलाई देंगे इस पकड़ से। आप चाहे तो एक साथ कर सकते हो, साइड से पौने एक इंच हो जाए, एक इंच हो जाए ऊपर कर देंगे और नीचे से डेढ़ इंच, ये चाइनीज़ के लिए शेप देंगे इस प्रकार से। तो आप कटिंग कर लेंगे। तो गला मैं पहले नहीं काटता हूँ, अगर आप चाहे तो काट सकते हो, मैं बाद में काटूँगा। दोस्तों आप स्लिप करेंगे यानी बाजू, तो इसका कपड़ा थोड़ा चौड़ा काम है इसलिए छोटा सा कल्ली पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से इस स्लिप को कटिंग करते हैं। तो नीचे से 4 इंच छोड़ेंगे शेप देने के लिए। तो लंबाई है 23.5 इंच, इसमें टोटल 1 इंच कम करेंगे, इसमें 2.5 इंच से 1 सूट कम कॉप लगाएंगे। आप 2.5 इंच भी दे सकते हो। तो टोटल तो कॉप है 9 इंच, इसका आधा कीजिए 4.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे और आर्मोल की तरफ जो बॉडी का चौथा भाग 9.5 इंच रखेंगे और प्लस सिलाई मार्जिन 2.5 इंच पर एक निशान लेंगे ये शेप देने के लिए। आप शेप कर देंगे इस प्रकार से। आप शेप पट्टी से शेप कर देंगे ऐसे, शेप स्केल से शेप कर लेंगे इस प्रकार से। ऑटोमेटिक शेप हो जाता है आपके पास अगर ये स्केल है तो, अगर नहीं भी है तो ऐसे शेप स्केल से आप शेप कर सकते हो। तो आप कटिंग कर लेंगे। तो आर्मोल में इतना कपड़ा शॉर्ट हो रहा है तो इसमें हम छोटा सा कली लगाएंगे, ऑटोमेटिक मेकअप हो जाएगा, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। तो बाजू की एक तरफ शेप कर देंगे जो फ्रंट पर में अटैच होगा। दोस्तों आप देखो चाकपट्टी कैसे करते हैं, सिलाई मार्जिन छोड़ के आधा कर लीजिए, एक निशान कर लीजिए, तो जो निशान आया उसमें हम 5 इंच चाकपट्टी के लिए रखेंगे और ऐसे काट लेंगे। दोस्तों देखो ये छोटा सा कली लगेगा तो इसके लिए थोड़ी सी कपड़े को काट लेते हैं पहले और बाद में हम इसको मेजरमेंट कर देंगे। दोस्तों आप बैक पार्ट कटेंगे तो बॉडी का माप टोटल आया था 11.5 इंच, जो चौथा भाग दो ही लेंगे 11.5 इंच। दोस्तों मैं चारों पार्टों को एक माप से काटता हूँ बराबर से, इसमें फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो आप फ्रंट पार्ट को ऊपर से बैठा लेंगे, ऊपर से 2 सूत हमने जितना छोड़ा था डाउन में, 2 सूत या 3 सूत इसको ऐसे छोड़ देंगे
और जहाँ से हमने टोटल 2.5 इंच छोड़ा था ऐसे बैठा लेंगे। और ऊपर से देखो, ऊपर से तो ऊपर से बैक पार्ट को ऊपर से 1.5 इंच छोटा कर देंगे। इस मार्किंग को सीधा कर देंगे। तो शोल्डर है 18.5 इंच, इसका आधा कीजिए 9.25 इंच, तो 9.25 इंच ही रखेंगे और मार्किंग करेंगे। हल्का सा ऐसे शेप कर लेंगे, जो तीरा है वो अच्छा बैठता है। तो मैंने शोल्डर पे सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, मैं आपको बाद में समझा दूँगा, जब मैं तीरा काटूँगा आपको समझा दूँगा। तो बैक पार्ट की आर्मोल को ऐसे ही शेप देंगे, तो फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा रखेंगे या 0.5 इंच हो जाए, 0.25 इंच हो जाए। अब कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आप तिरा काटेंगे, तिरा को हल्का सा ऐसे शेप कर लेंगे जो आर्मोल की तरह होता है। शोल्डर है 18.5, इसका आधा के जी है 9.25 इंच, इसमें सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। चौड़ा लेंगे 4 इंच, इस तरफ लेंगे 6 इंच, इसका राउंड शेप के लिए लेंगे 3 इंच, ऊपर से लेंगे 2 इंच डाउन, इसको थोड़ा राउंड कर देंगे इस प्रकार से। तिरा का ऊपरी भाग में थोड़ा सा शेप कर लेंगे, हमने शोल्डर में कोई एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लिया था, तो मैंने बोला था टर्निंग पॉइंट, तो यही एक टर्निंग पॉइंट है। तो शोल्डर तो हमेशा ऊपर में होता है, डाउन में तो नहीं होता है ना। मुझे लगता है आप समझ गए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नई नई जानकारी नई नई ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप हमेशा खुश रहे, अपना ख्याल रखें। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।